नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करेंगे वो है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं संपूर्ण रूप से। दोस्तों वीडियो पूरा देखना है। एक बहुत ही शानदार तरीके से हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ने वाले हैं, पूरा देखना है। 100% विश्वास जाता हूँ समझ में आ जाएगा और ऐसा समझ जाएगा कि भूलोगे भी नहीं। देखते राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण की बात करने से पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान के लिए सबसे पहले राजस्थान शब्द राजपूतन शब्द का प्रयोग किया गया था। राजस्थान के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया राजपूताना का, जो 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द प्रयोग में लिया गया। और यह शब्द प्रयोग किसने लिया, उसका नाम है जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने, जो थाईलैंड के निवासी थे, उन्होंने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया, सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाले कर्नल जेम्स टोड थे। कर्नल जेम्स टोड जिन्होंने राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, वो पॉलिटिकल एजेंट थे, पीए थे कर्नल जेम्स टोड, जिसने राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। अब बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण की। इससे पहले, यानी राजस्थान के एकीकरण की बात करने से पहले हम थोड़ी भारत के एकीकरण की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जानना होता है कि एकीकरण होता क्या है। पहले क्या होता था कि जितनी भी रियासतें थी, जो राजा महाराजा शासन करते थे, जो जितनी भी रियासतें थी वो अलग अलग अपने स्तर पर बिखरी हुई थी, उनको एक मुट्ठी में बंद करना एकीकरण कहलाता है। यानी एक लीडर के माध्यम से वो सारा जो है देश चलना या राज्य चलना, वो एक एकीकरण कहलाता है। जितनी रियासतें थी, जयपुर जोधपुर, जो बड़ी बड़ी छोटी बड़ी जो रियासतें थी, उन पर एक राजा शासन करता था, उन राजाओं से अलग करके एक सीएम पीएम जो भी वो मुख्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना के उनको एकीकरण करना, एकीकृत करना, एक मुट्ठी में बंद करना, वो एकीकरण कहलाता है। अलग अलग विभाजित हुई रियासतों को। तो बात करते हैं भारत के एकीकरण की। तो जब भारत का एकीकरण हुआ, उस समय भारत में कुल 565 रियासतें थी। कुल रियासतें कितनी थी तो याद रखना है, 565 रियासतें थी, जिनमें से 563 रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया कि हम जो है एकीकरण में शामिल होने के लिए तैयार है। यानी 565 रियासतों में से 565 रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। अब उन 3 रियासतों के बारे में याद रखना है कि पहली जो रियासत थी वो थी हैदराबाद। एक रियासत थी जो हैदराबाद थी, दूसरी थी वो थी कश्मीर, और तीसरी जो रियासत थी जिसने एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए, वो थी गुजरात की जूनागढ़, जो गुजरात के अंदर है। ये जूनागढ़ी हमारे राजस्थान में है, जो बीकानेर में किला बना हुआ है। तो 3 रियासतें थी जिन्होंने एकीकरण पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। हैदराबाद जो भारत की सबसे बड़ी रियासत मानी जाती है, दूसरी कश्मीर और तीसरी जूनागढ़ जो गुजरात में है, इन तीनों रियासतों ने जो है हस्ताक्षर करने से मना कर दिया विलय पत्र पर एकीकरण में। अब हम बात करते हैं हमारे राजस्थान के एकीकरण पे। तो राजस्थान के एकीकरण पर बात करते हैं, इसके लिए हमें देखना है कि कितनी हमारे राजस्थान में रियासतें थी, कौन बड़ी थी, कौन छोटी थी, कौन नवीन थी, कौन सबसे पुरानी रियासत थी। एकीकरण के समय ऐसा कहा गया कि जो रियासतें, जिस रियासत की वार्षिक खर्च 1 करोड़ से अधिक है, या उस रियासत की उसकी 10 लाख से अधिक आबादी है, वह रियासतें
अपने हिसाब से जिस जहां भी शामिल हो सकती है वो अपना अलग राज्य बना सकती है। ये एकीकरण के समय नियम निकाला गया। उस नियम के पालना करने वाली राजस्थान में चार रियासतें थी। वो पहली रियासत थी जयपुर, दूसरी थी जोधपुर, तीसरी बीकानेर और चौथी थी उदयपुर। ये चार रियासतें ऐसी थी जो अपना अलग राज्य स्थापित करने की इनको अनुमति थी, जब क्योंकि इनके इनकी वार्षिक आय जो खर्च था वो 1 करोड़ से अधिक था और इस इनकी आबादी है वो भी 10 लाख से अधिक थी। तो ऐसा एक ये नियम निकाला गया जिसमें से हमारे राजस्थान की चार रियासतें शामिल थी। अब हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान की कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी, कौन सी सबसे रियासत छोटी थी। तो ये हमारा मान के चलो राजस्थान है। सबसे पहले यहाँ देख के चलते हैं, यहाँ एक रियासत है, उस रियासत का नाम है मेवाड़ रियासत। यहाँ पर मेवाड़ रियासत है। यहाँ पर एक लग के चलते हैं, एक जिला है वो है जोधपुर, जहाँ की रियासत है मारवाड़ रियासत। मारवाड़ रियासत है। सबसे पहले तो यह ध्यान रखना है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है वो है मेवाड़। मेवाड़ रियासत है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मानी जाती है। तो यहाँ सबसे प्राचीन है तो इसका मतलब सबसे नई राजस्थान नई रियासत भी है। तो यहाँ पर एक रियासत है वो है झालावाड़। झालावाड़ जो राजस्थान की सबसे नवीन रियासत मानी जाती है, राजस्थान की सबसे नवीन रियासत झालावाड़, सबसे प्राचीन रियासत है मेवाड़। यहाँ पर मारवाड़ रियासत है जो राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है। सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, तो है मारवाड़ रियासत। सबसे बड़ी है तो एक सबसे छोटी भी रियासत है वो है शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा जो भीलवाड़ा में है वो राजस्थान की सबसे छोटी रियासत मानी जाती है। सबसे छोटी रियासत कौन सी है, तो राजस्थान की सबसे छोटी रियासत शाहपुरा भीलवाड़ा है। सबसे बड़ी मारवाड़ है, सबसे प्राचीन मेवाड़ है, सबसे नवीन झालावाड़ है और यहाँ पर एक रियासत है जयपुर रियासत है, जो जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक थी एकीकरण के समय। सबसे अधिक जनसंख्या जयपुर रियासत की थी जो यहाँ पर है। तो यह याद रखना है राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ रियासत है, सबसे छोटी रियासत शाहपुरा भीलवाड़ा है, सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ है, सबसे नवीन रियासत झालावाड़ है। तो ये राजस्थान की प्रमुख बड़ी और छोटी रियासतें हैं। अब हम राजस्थान के एकीकरण को आगे बढ़ाते रहे। राजस्थान का जब एकीकरण हुआ उस समय 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। एकीकरण के समय याद रखना है, एकीकरण के समय रियासतें कितनी थी, तो रियासतें याद रखना है एकीकरण के समय 19 रियासतें थी, ठिकाने कितने थे, 3 ठिकाने थे और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, 1 थे। वैसे केंद्र शासित प्रदेश 2 माने जाते हैं, सर्दियों में अलग और गर्मियों में अलग। केंद्र शासित प्रदेश वो कहलाता है जहां पर अंग्रेजों का अधिकार था, अंग्रेज शासन चलाते थे, वो केंद्र शासित प्रदेश कहलाता है। रियासत है वो जिनको तोप सलामी का अधिकार है, जो तोप चला सकते हैं वो रियासतें कहलाती है। उनमें भी 2 अपवाद है, एक शाहपुरा एक किशनगढ़, जो तोप नहीं चला सकती थी। तो रियासतें कौन कहलाती है, जिनको तोप चलाने का अधिकार है, ठिकाने को जिनको तोप चलाने का अधिकार नहीं है। 3 ठिकाने कौन कौन से हैं, हम 3 ठिकानों की बात करते हैं। 3 ठिकाने कौन से हैं, एक ही शब्द याद रखना आपको, नकुल। नकुल से हमारे जो 3 ठिकाने हैं वो 3 ठिकाने याद हो जाते हैं। नकुल जैसे निमराना जो आता है अलवर में, कुशलगढ़ आता है
बांसवाड़ा में, जैसे लावा और लावा टोंक में, निमराणा अलवर कुशाल में बांसवाड़ा लावा टोंक, ये तीन ठिकाने थे। 1966 में थी, एक केंद्र शासित प्रदेश था, केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा जो शीतकालीन रियासत मानी जाती है, यह शीतकालीन रियासत मानी जाती है। एक आता माउंट आबू, माउंट आबू यह ग्रीष्मकालीन रियासत है। वैसे केंद्र शासित प्रदेश दो हम कह सकते हैं, एक अजमेर मेरवाड़ा, एक माउंट आबू सिरोही। गर्मियों में अंग्रेज माउंट आबू में रहते थे, सर्दियों में अजमेर अंग्रेज जो है वो अजमेर रहते थे। तो याद रखना है कि राजस्थान के एकीकरण समय 1966 तीन ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। तीन ठिकाने कौन कौन से थे? कुशलगढ़ बांसवाड़ा, निमराणा अलवर और लावा टोंक, ये तीन ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। अब हमें राजस्थान के एकीकरण की बात करते हैं कि राजस्थान का एकीकरण में समय कितना लगा, चरण कितने हैं, वो इनके बारे में हम बात करते हैं। ध्यान से देखना है, बहुत ही अच्छा जो हमारा टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण, इसके बारे में बहुत ही शानदार तरीके से आपको देखना है, समझ में आ जाएगा। तो राजस्थान के एकीकरण में सबसे पहले याद रखना है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। इसमें समय कितना लगा, क्वेश्चन आता है राजस्थान के एकीकरण में कुल समय कितना लगा, तो इसमें समय लगा 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का हमारे राजस्थान के एकीकरण में समय लगा। बहुत ही बड़ा एकीकरण हमारा राजस्थान के लिए बहुत बड़ा है, तो एकीकरण में भी बहुत ज़्यादा समय लगा था। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन के अंदर हमारे राजस्थान का एकीकरण समाप्त हुआ। शुरुआती समय भाई शुरू कब हुआ राजस्थान का एकीकरण, तो 18 मार्च 1948 को हमारा राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हुआ। और ये समाप्त कब हुआ, राजस्थान का एकीकरण पूर्ण रूप से समाप्त कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को हमारा राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो चुका था। तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, 7 चरणों में हुआ। कितना समय लगा, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। शुरू कब हुआ, 18 मार्च 1948 को स्टार्ट हुआ। और राजस्थान का एकीकरण समाप्त कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को हमारा राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो चुका था। अब हम राजस्थान के 7 चरणों की बात करेंगे, 7 चरणों में हुआ, इतना टाइम लगा। हम एक एक चरण की बात करते हैं कि सातों चरण कौन कौन से हैं, कब कब हुए। अब ध्यान से देखना है, बहुत अच्छे तरीके से इस एकीकरण के बारे में देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं, क्रम लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमारे सातों चरण हो गए। चरण 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमारे सातों चरण हो गए। हम सबसे पहले देखते हैं कि उनमें से सातों चरणों में से सबसे पहले उनमें से रियासतें कौन कौन सी शामिल हुई, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है, आप सबको पता है, ABCD में सबसे पहले आता है A, B, C और D। तो सबसे पहले चरण में हम लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं A, B, C और D। A, B, C और D सबसे पहले आता है A, B, C और D। अभी तक आपको केवल इतना देखना है कि A, B और C, D याद रखना है। दूसरे में आई, पहले में आई ABCD और दूसरे में आई बाबू झाड़ू की को मुसाटो, बाबू झाड़ू की को परसाटो। पहले में ABCD आई, दूसरे में बाबू झाड़ू की को मुसाटो। इसमें मिला उदयपुर,
इसमें उनका उदयपुर बन गया तीसरा। तीसरे मिली जे जे बी, जे 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 बी बन गया चौथा। चौथे में मिला पहला, चार प्लस एक कितने होते हैं, चार प्लस एक कितने होते हैं, बन गया पांचवा। पांचवे में मिली सिरोही बन गया छठा। और छठे में मिले अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। यहां पर एक सुनील टप्पा भी मिलता है, सुनील टप्पा। तो ये आ गया सातवां चरण कंप्लीट। दोबारा से देखना है, समझना है। पहले में आई, पहले चरण में आई एबीसीडी, ए बी सी और डी। पहले में आई एबीसीडी, दूसरे में आई बाबू जाड़ो की को प्रसाटो। दूसरे चरण में कौन आई, ए बाबू जाड़ो की को प्रसाटो। उसमें बन गया कौन सा, दूसरा। दूसरे में मिला कौन सा, उदयपुर। बन गया तीसरा चरण उदयपुर में। तीसरे में मिली जे 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 बी, बन गया चौथा। चौथे में मिला चार प्लस एक कितना होता है, पांच, बन गया पांचवा। पांचवा में मिली सुरई सिरोही और सुनील टप्पा, बन गया छठवा। छठवा में मिला अजमेर मेरवाड़ा, बन गया सातवां। ये हमारे राजस्थान के सातों चरण में कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई वो हम देख लिया। अब एबीसी का हमने देख लिया कि ए बी सी डी क्या है, इनके नाम के बारे में बात करते हैं। तो ए, ए से याद रखना है अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, पहले में आई एबीसीडी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। दूसरे में आई बाबू जाड़ू की को प्रसाटो। बाबू जाड़ू की को प्रसाटो, बांसे याद रखना है बांसवाड़ा, बांसे बांसवाड़ा, बू से बूंदी, जा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, की से किशनगढ़, ओ से याद रखना है कोटा, पे से याद रखना है प्रतापगढ़, सा से शाहपुरा और टो से याद रखना है टोंक। तो बाबू जाड़ू की को प्रसाटो, इनमें याद रखना बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, जा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, की से किशनगढ़, को से कोटा, पे से प्रतापगढ़, सा से शाहपुरा, टो से टोंक। तो पहले में एबीसीडी, दूसरे में बाबू जाड़ू की को प्रसाटो, उसमें मिला उदयपुर बन गया तीसरा, तीसरे में मिली जेजेबी बन गया चौथा। जेजेबी से याद रखना है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। जे 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 बी से याद रखना है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, बन गया चौथा। चौथा में मिली पहला, बन गया पांचवा। पांचवा मिली सिरोही और सुनील टप्पा, बन गया छठवा। और छठे में मिली अजमेर मेरवाड़ा, देखने से लिख सकते हैं माउंट आबू, माउंट आबू, बन गया सातवां चरण। ये सातों चरण की सारी सारी रियासतें दोबारा से देखना है। पहले में भी सीढ़ी आई, दूसरे में उसमें दूसरे में बाबू जाड़ू की कोपर सटो, बन गया दूसरा। तीसरे में मिली, दूसरे में मिली उदयपुर, बन गया तीसरा। तीसरे में मिली जे जे बी, बन गया चौथा। चौथे में मिला पहला, बन गया पांचवा। पांचवा में मिली सिरोही, बन गया छठा। और छठे में मिला अजमेर मेरवाड़ा, बन गया सातवां। ये सातों चरणों में जितनी भी रियासतें थी वो शामिल हो गई। अब हम इनके नाम की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखना है कि पहले चरण की राजधानी कौन सी थी, दूसरे चरण की राजधानी कौन सी थी, तीसरे चरण की राजधानी कौन सी थी। तो ये मैं अब नाम बता रहा हूँ, नाम आपको याद रखना है अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ये पहले चरण की मैं समझी राजधानी थी, बाबू जाड़ू की कोपर सटो, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। ये रियासतें जो थी वो दूसरी चरण के अंदर, दूसरे चरण के अंदर शामिल हुई। तीसरे चरण में उदयपुर आया, चौथे चरण में जेजेबी आई, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। पांचवें चरण में
फिर हमें मिली चौथा, तो पांचवा बन गया पांचवा माई सिलोई, तो ये बन गया छठवा, छठवा माई अजमेर, मेरा बन गया सातवां। अब हम इनके नाम की बात में याद रखना है कि नाम क्या क्या है, सातों चरणों के नाम याद रखना है। तो सबसे पहले नाम की बात करते हैं, पहले चरण का नाम मत्स्य, दूसरे का पूर्व, तीसरे का संयुक्त, चौथे का बृहद राजस्थान, पांचवे का संयुक्त बृहद राजस्थान, और छठे का है संघ, और सातवे का है राजस्थान। सातवें के अंदर हमारा राजस्थान का पूर्व या वर्तमान राजस्थान। मत्स्य, मत्स्य संघ, पूर्व संयुक्त बृहद, संयुक्त बृहद राजस्थान संघ, और वर्तमान राजस्थान। ये राजस्थान के पांचों चरणों में जो सात चरण थे, सातों चरणों के नाम दोबारा से याद रखना है, मत्स्य, पूर्व संयुक्त बृहद, संयुक्त बृहद संघ, और राजस्थान। अब हम यहाँ बात करते हैं रियासतों की, कि पहले चरण की राजधानी कहाँ थी, दूसरे चरण की राजधानी कहाँ थी, तीसरे चरण की राजधानी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको गौर से देखना है कि ये गोला बता रहा है अपना, मैं क्या हूँ, राजधानी। ये गोला बता रहा है राजधानी, देखना है चार ही चरणों में राजधानी याद रखनी है, बाकी सारी कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। सात चार, सात में से चार राजधानी याद रखनी है। पहले वाला गोला बता रहा है अपना, मैं क्या हूँ, राजधानी। तो पहले की राजधानी क्या होगी, अलवर। पहले की राजधानी है अलवर। दूसरे में कौन बता रहा है मैं अपना, मैं राजधानी हूँ, दूसरा क्या है, कोटा। दूसरे चरण की राजधानी है कोटा, पहले चरण की राजधानी अलवर, दूसरे चरण की राजधानी कोटा, तीसरे की राजधानी उदयपुर। ये गोला बता रहा है मैं क्या हूँ, राजधानी हूँ। ये गोला बता रहा है मैं राजधानी हूँ। तो तीसरे चरण की राजधानी उदयपुर, चौथे चरण की जयपुर कोटा, जयपुर, जयपुर बोला है तो जयपुर, चौथे चरण की राजधानी जयपुर, और आज की भी जयपुर। ये चार राजधानी याद रखनी है। ये गोला बता रहा अपना में राजधानी। पहले की ए पर गोला क्या है, अलवर। दूसरे पर को पर गोला क्या है, कोटा राजधानी। तीसरे उदयपुर है, उदयपुर अपने आप में राजधानी। चौथे में जयपुर याद गोला क्या हुआ है, तो जैसे याद रखना है जयपुर, और चौथे चरण की राजधानी है जयपुर, और आज की भी राजधानी है जयपुर। ये चारों राजधानी नाम भी याद हो गए, मत्स्य, पूर्व, बृहद संयुक्त, बृहद संयुक्त बृहद संघ, और राजस्थान। ये राजस्थान के संत है। अब देखते हैं एग्जाम में इनके बारे में पूछते हैं तारीख, एग्जाम में इनके बारे में तारीख पूछते हैं, तो हमें सातों चरणों की तारीख भी याद ही करनी है, कि सातों चरणों की तारीख क्या क्या है। तो सातों चरणों की तारीख हम देखते हैं, एक ही सबसे पहले तो याद रखना है कि राजस्थान का एकीकरण पूर्ण कब हुआ, तो वो पूर्ण हुआ 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को हमारे राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो चुका था। फिर याद रखना है राजस्थान में संविधान लागू हुआ, राजस्थान में संविधान लागू कब हुआ, वो हुआ 26 जनवरी 1950 को हमारे राजस्थान में या पूरे देश में संविधान लागू हुआ था छठे चरण में। दोबारा से रहना है, हमारे राजस्थान का एकीकरण शुरू कब हुआ, 18 मार्च 1948 को, पूर्ण कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को। दो डेट क्लियर होगी, अब याद रखनी है पांच, पांच में से एक डेट क्लियर हो जाती है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ, तो यहाँ पे हमारा छठा जो चरण है वो हमारे जब संविधान लागू हुआ
वहां पर समाप्त हुआ था छठा चरण 26 जनवरी 1950। मैं पांचवा छोड़ रहा हूँ, पहले मैं पांचवा छोड़ रहा हूँ और पहले देखता हूँ चौथा में राजस्थान। आप सबको पता है राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च, और कब से मनाया जाता है 1949 से राजस्थान देश मनाया जाता है। कब मनाया जाता है 30 मार्च 1949। तो तीसरे चरण की डेट याद रखनी है, चौथे चरण की जो डेट याद रखनी है 30 मार्च 1949। 30 का आधा होता है 15 और पांचवा महीना याद रखना है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई। पांचवा महीना कौन सा आता है? मई 1949। चार डेट की दिन होगी राजस्थान का एकदम समाप्त हुआ। 1 नवंबर 1956, 26 जनवरी 1950 को हमारा राजस्थान देश है संविधान लागू हुआ था। फिर बात करते हैं चौथे चरण की, पहले राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को, कब से मनाया जाता है 1950 से। 30 का आधा होता है 15 और महीना चरण कौन सा? पांचवा, तो महीना भी इंग्लिश में पांचवा मई 1949। अब जो पहले जो है 30 3 है, तीनों की डेट याद रखनी, तीनों के सन एक की याद रखनी है 1948। सन एक याद रखनी, तारीख याद रखनी है 18 25 18। तारीख तीनों की, पहले जो तीन चरण है उन तीनों चरणों की एक ही तारीख याद रखनी है 18 25 18। वर्ष कौन सा? 1948। सबसे पहले 18 मार्च 1948 को पहला चरण समाप्त हुआ, फिर आता 25 मार्च 1948 को दूसरा चरण, फिर आता 18 अप्रैल 1948 को तीसरा चरण। तो डेट याद रखिए 18 25 18 30 15 26 1 18 25 18 18 25 18 30 15 26 1 मार्च अप्रैल मार्च मई जनवरी और नवंबर, 3 बार 48 2 बार 50 1 बार 50 और 1 बार 56। ये हमारे राजस्थान के सातों चरणों की डेट याद होगी। इसको ऐसे अगर याद नहीं हो तो एक मोबाइल नंबर याद रख लो 18 25 18 30 15 26 1। ये मोबाइल नंबर याद रख लो, इस पे फोन लगाना है तो एक कोड भी याद रखना पड़ेगा 48 49 50 और 56। 3 बार ट्राई करना है 48 को, 2 बार ट्राई करना है 49 को, 1 बार ट्राई करना है 50 को, 1 बार ट्राई करना है 56 को। ये तीनों और चारों कोड भी याद रखना है 48 49 50 और 56। अठारह पच्चीस अठारह तीस पंद्रह छब्बीस एक ये मोबाइल नंबर है, कोड याद रखना है 48 49 50 और 56। 48 को 3 बार लगाना है ट्राई करना है, 49 को 2 बार लगाना है, 50 को 1 बार और 56 को 1 बार। ये डेट याद रखनी है। अब हम इनके सातों जो चरण है इनके उद्घाटनकर्ता के बारे में बात करते हैं, इनके प्रधानमंत्री के बारे में बातें करते हैं। मैं अभी जो है इनके केवल डेट रख रहा हूँ, बाकी इनको मैं मिटा रहा हूँ नाम को। इनको दोस्तों गौर से देख लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कभी भूलोगे नहीं, कभी भूलने वाली चीज ही नहीं है। दोबारा से देखो, सातों चरणों की डेट लिखी हुई है 18 25 18 30 15 26 1। पहले चरण रियासत कौन से? ए बी सी डी। दूसरे में बाबू झाड़ू की को प्रसाद दूसरा बन गया, दूसरे में मिला उदयपुर बन गया तीसरे मिला जे जे बी बन गया चौथा, चौथे में मिला पहला बन गया पांचवा, पांचवा मिली सुनोई और सुनील टप्पा बन गया छठो, छठे में मिला अजमेर मेरोड़ा और माउंट आबू बन गया सातों। ये सातों चरण है, पहले की राजधानी अलवर, दूसरे की कोटा, तीसरे की उदयपुर और चौथे की जयपुर और आज की भी जयपुर है। सातों चरण, सातों चरणों के नाम, पहले का मत्स्य, दूसरे का पूर्व, तीसरे का
संयुक्त चौथे का ब्रेज, पांचवा का संयुक्त ब्रेज, छठे का संघ और सातवा का राजस्थान, वर्तमान राजस्थान। अब इनके बारे में, इनके जो है एग्जाम में इनके उद्घाटनकर्ता भी पूछे जाते हैं, उद्घाटनकर्ता भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। पर उद्घाटनकर्ता कौन है? फिर इनके बारे में पूछा जाता है पीएम, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। उद्घाटनकर्ता भी पूछा जाता है, प्रधानमंत्री भी पूछे जाते हैं। उद्घाटनकर्ता में याद रखना है, प्यार से याद रखना है, चार शब्द याद रखना है, गोड़गिल चाचा पटेल। उद्घाटनकर्ता याद रखना है, प्यार से याद रखना है, गोड़गिल चाचा पटेल, एनवी गोड़गिल चाचा बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू, पटेल बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। चारों उद्घाटनकर्ता नाम याद रखना है, गोड़गिल चाचा पटेल, दोबारा से आराम से याद रखना है, चारों गोड़गिल चाचा पटेल। पांचों में नो चेंज। जब हम एक संघ के बारे में, एक एक चरण के बारे में बात करेंगे तब डिटेल से देखेंगे। अभी तक भी उद्घाटनकर्ता पूछे जाते हैं एग्जाम में कि पहले चरण में उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो गोड़गिल चाचा पटेल। ये पहले जो प्रथम जो चार चरण है उनके उद्घाटनकर्ता, पांचों में नो चेंज है, छठों सातों में तब हमारा संविधान लागू हो गया था। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में प्यार से याद रखना है, कुमावती असावा वर्मा शास्त्री, कुमावती असावा वर्मा शास्त्री। उद्घाटनकर्ता है गोड़गिल चाचा पटेल, पीएम है कुमार असावा वर्मा शास्त्री, शोभाराम कुमार गोकुलाल असावा, माणिकीलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री। ये जो हीरालाल शास्त्री है चौथे चरण के प्राइम मिनिस्टर है, पांचवें चरण के भी यही प्राइम मिनिस्टर है, फिर कुछ लोग तो पीएम सीएम से पीएम बनते हैं, लेकिन हीरालाल शास्त्री दुर्भाग्यवश पीएम से सीएम बने। ये उस समय की बात है, उसमें प्रधानमंत्री बोला जाता है। राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम या मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। मनोनीत क्या होता है? मनोनीत वो होता है जो गांव में जिसे निर्विरोध बोलते हैं, जिसका कोई चुनाव नहीं होता, अपनी सभी संतुष्टि से जिसे प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, सीएम बना देते हैं।